अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक क्लास के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसका हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम क्या करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन करने जा रहे हैं और उसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन की जो स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पर हम वो हम पढ़ते हैं कि द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब यहाँ पे क्या है, द रेट यानी रफ्तार एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट, यानी कोई भी सब्सटेंस जब रिएक्ट करता है तो उसकी जो रफ्तार है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, उसके एक्टिव मासेज के। एक्टिव मास क्या कहता है, एक्टिव मास जो है ना वो जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है ना उनकी जो कंसनट्रेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मास कहते हैं। ठीक है, जो एक्टिव मास है वो क्या है, रिएक्टिंग सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब भी सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उसकी जो रफ्तार है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके एक्टिव मास के है एंड द रेट ऑफ ए रिएक्शन यानी रिएक्शन की जो रफ्तार है। अच्छा, ये जो है ना इसकी समझो पहली डेफिनेशन है। अब आगे क्या कह रहा है, एंड द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासिस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, यानी रिएक्शन की जो रफ्तार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे किसके होगी, रिएक्टिंग सब्सटेंस की एक्टिव मासेस के। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या है, रिएक्टिंग सब्सटेंस है। ठीक है, रिएक्टिंग सब्सटेंस है तो इसकी जो कंसंट्रेशन है ना उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। तो रफ्तार जो होगी ना इस रिएक्शन की जो रफ्तार होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इसकी एक्टिव मास की, यानी जितना इसका एक्टिव मास इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी ही इस रिएक्शन की क्या होगी, रफ्तार होगी। तो यहाँ पे यही कह रहा है। तो अगर अच्छा हम देखते हैं कि एक्टिव मास होता क्या है, तो नेक्स्ट पेज में इसकी डेफिनेशन दी हुई गई है तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक्टिव मास की डेफिनेशन दी हुई गई है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड एक्टिव मास। जो रिएक्टिंग सब्सटेंस की कंसंट्रेशन होगी ठीक है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मास कहते हैं। द यूनिट ऑफ एक्टिव मास इज मोल पर डी एम क्यूब। अब एक्टिव मास का जो भी यूनिट होगा उसका यूनिट क्या है, मोल पर डी एम क्यूब, और इसकी वैल्यू को हम किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये इसकी क्या है, एक्टिव मास की डेफिनेशन। बस इतना कहते हैं कि जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होगी ना उसकी जो कंसनट्रेशन होगी उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मास बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना लॉ ऑफ मास एक्शन की एक और जो है ना डेफिनेशन दी हुई गई है। तो यहाँ पर लिखा है, द लॉ ऑफ मास एक्शन आल्सो सजेस्ट दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसनट्रेशन इज कॉन्स्टेंट एट ए स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। जो रेशियो होगा ना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। यानी जो प्रोडक्ट होगा ना उसको हम ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि वो कैसे है। तो हम क्या लिखेंगे, जो रेशियो होगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, और ये किसके बराबर होगा, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के। तो इसकी जो डेरिवेशन है ना वो हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी डेरिवेशन दी हुई गई है, तो लिखा हुआ है, द लेट अस अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन ऑन ए हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हमारे पास क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल का मतलब है ये हमारे पास एक जो है ना इमेजिनरी जो है ना वो एक हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या है, ए है प्लस बी, और ये जो सिमोल ए और ये सिमोल बी दिया हुआ है ना ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, इसको हम सपोज करते हैं ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये सिमोल ए और सिमोल बी। ठीक है, बाकी ये जो जो लार्ज ए और जो है ना बी लिखा हुआ गया है ये दोनों क्या है, इसके रिएक्टिंग सब्सटेंट है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट सी और डी बनाते हैं, और ये जो सिमोल सी और सिमोल डी है ये इनके क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, आइए हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ गया है, फर्स्ट लेट अस डिस्कस फॉरवर्ड रिएक्शन। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे वेयर ए एंड बी आर रिएक्टेंट, वेयर इज सिमोल ए एंड सिमोल बी आर नंबर ऑफ मोल्स नीडेड टू बैलेंस्ड ए केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या था, रिएक्शन था ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिमोल ए और ये सिमोल बी था, ये दोनों हमारे पास क्या है, सिमोल ए और सिमोल बी, ये दोनों हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, किसी ये हमारे पास क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है। तो इसी का हम फॉरवर्ड रिएक्शन देखने जा रहे हैं।
द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इज, तो हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ना लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक, ये हमारे पास क्या है आर एफ, ठीक है आर एफ, ये हमारे पास क्या है फॉरवर्ड रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है ये हमारे पास क्या है रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन है, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट की जो प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन है उसके क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये जो सिमोल ए और ये सिमोल बी था ये इसके क्या थे नंबर ऑफ मोल्स, और चाहे ये जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना उसको हम क्या लिखेंगे हमेशा ऊपर लिखेंगे, ठीक है स्क्वायर में लिखेंगे ऊपर लिखेंगे हम इसको, तो हमारे पास क्या है तो हमने क्या किया तो यहाँ पे हमने जो है ना नंबर ऑफ मोल्स को क्या किया है ऊपर लिखा है, ठीक है तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये बराबर किसके हो गया के एफ, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो इक्वलिटी की साइन आएगी और यहाँ पे कॉन्स्टेंट आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं के एफ, ठीक है तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एक मिनट रुकिए, ठीक है तो हमने क्या किया नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर लिखा है और प्रोपोर्शनलिटी को हटाया है तो इक्वलिटी की साइन आई है और यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आया है जिसका नाम है के एफ, ठीक है और ये दोनों हमने क्या लिखे हैं सेम लिखेंगे लिखे हैं, तो यहाँ पे के एफ क्या है वेयर के एफ इज़ द रेट कॉन्स्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, के एफ है ना ये क्या है रेट कॉन्स्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, तो लाइकवाइज रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी वेयर इज सिमोल सी एंड सिमोल डी आर नंबर ऑफ मोल्स नीडेड टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन लिखा है, रिवर्स रिएक्शन भी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है तो जो रिएक्शन जो हमारे पास सी और डी है, ठीक है ये क्या इन दोनों की मोलर कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये सिमोल सी और सिमोल डी मैंने आपको कहा था कि जब भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको हम क्या लिखेंगे हमेशा ऊपर लिखेंगे, ठीक है तो इसको हमने क्या किया ब्रैकेट के ऊपर लिखा है, तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो इक्वलिटी की साइन आएगी और हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आएगा जिसका यहाँ पे इसका नाम है के आर, ठीक है फॉरवर्ड के लिए क्या था के एफ था और रिवर्स के लिए क्या होगा के आर, तो यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या लिखा ऊपर लिखा, तो यहाँ पे दिया हुआ गया है कि वेयर के आर, अब के आर क्या है वेयर के आर इज द रेट कॉन्स्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, के आर जो है ना वो रिवर्स रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट है, यू नो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, तो आपको हमें पता है कि जब भी इक्विलिब्रियम आता है तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है ना वो दोनों क्या हो जाएगी जब बराबर हो जाएंगे तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट आ जाता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या था आर एफ था, ठीक है आर एफ था और रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या था आर और स्मॉल आर, तो इन दोनों को हम क्या लिखेंगे बराबर करके लिखेंगे यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर किसके हो गया रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो ये किस में आ गया इक्विलिब्रियम में आ गया, तो आगे हम देखते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आर एफ एंड आर आर वी हैव, अब हम क्या लिखेंगे आर एफ की भी वैल्यू लिखेंगे और आर आर की भी वैल्यू लिखेंगे, आर एफ की वैल्यू क्या थी हमारे पास आर एफ जो था ना उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी यहाँ पे ये थी के एफ और ए थी, ठीक है और बी और ऊपर क्या थे नंबर ऑफ मोल्स थे, ये किसके बराबर किसके है अब आर आर, आर आर की जो वैल्यू थी ना वो क्या थी ये थी आर आर की वैल्यू ये थी, तो हमने वही लिखा ठीक है के आर और ये सी डी और ऊपर हमने क्या दिया नंबर ऑफ मोल्स दिए, ठीक है बाई टेकिंग कॉन्स्टेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड वेरिएबल्स ऑन राइट हैंड साइड वी हैव, अब हम क्या लिखेंगे कि ये जो के आर है ना यहाँ पे के आर और ये के आर यहाँ पे गया, ठीक है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, ठीक है के आर यहाँ पे डिवाइड करेगा और यहाँ पे ये जो है ना ए और बी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये यहाँ पे क्या करेगा डिवाइड करेगा, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो ये हो गया के एफ अपॉन के आर बराबर किसके हो गया ये सी और डी सेम रहेंगे और ये यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है या अब ये हमारे पास क्या है एक जो है ना वो इक्वेशन है, अब यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के एफ और के आर, ठीक है इन दोनों का जो रेशो है ना उसको हम क्या बोलते हैं केसी, केसी हमारे पास क्या है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है तो इन दोनों को हम केसी भी करके लिख सकते हैं, केसी बराबर किसके हो गया है ये हो गया सी डी अपॉन ए और बी, अच्छा यहाँ पे क्या है ये सी और डी हमारे पास क्या थे प्रोडक्ट थे ना, ठीक है सी और डी हमारे पास क्या थे प्रोडक्ट थे और ए और बी हमारे पास क्या थे रिएक्टेंट, तो मैंने आपको बताया था कि
प्रोडक्ट ऑफ आर रिएक्टिव्स को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केसी बराबर है के एफ अपान के आर, ठीक है। अब केसी किसके बराबर हो गया, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट के, ठीक है। तो यही था हमारे पास इसकी जो डेरिवेशन थी। अब हम देखते हैं कि वेयर केसी, केसी हमारे पास क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, ठीक है। केसी हम किसको बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। हैंस प्रूवन दैट लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन। जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ना, वो क्या करता है, रिलेशन हमें बताता है किसके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस का, ठीक है। एक्टिव मासेस का हमें क्या पता है, रिलेशन बताता है उसके रिएक्शन की रफ्तार के मुताबिक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, केसी की जो है ना इक्वेशन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये आप हमेशा याद रखना, क्योंकि ये जो हमारे पास आगे आने वाले जो न्यूमेरिकल्स होंगे उस पर हमें ये मदद देगा। जो कोई भी रिएक्शन होगा उसका जो है ना प्रोडक्ट जो साइड होगी ना, प्रोडक्ट आपको पता है और रिएक्टेंट भी आपको पता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट वाली साइड को हम हमेशा ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट हमारी जो होगी ना वो उसको हम नीचे लिखेंगे, और जितने भी नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हुए होंगे ना तो उनको हम क्या लिखेंगे, ऊपर करके लिखेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या बन जाए, एक्सप्रेशन बन जाएगा लॉ ऑफ मास एक्शन का, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमारे पास क्या बन जाएगा, एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको जो है कोई भी चीज़ अगर समझ ना आए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे इस चैनल मैथ स्किल्स को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द रिसीव हो सके। शुक्रिया।